हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली ऑर्गेनिक में जो सबसे वाइडली आने वाली रिएक्शंस है वो है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तीन तरीके से होता है। एक तो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। में जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ESR के अंदर इलेक्ट्रोफाइल होता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन के अंदर भी तीन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि एलिमिनेशन में हमें एक ही देखना है, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन या सिर्फ एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना होगा हमें कि कौन से कंपाउंड्स कौन से टाइप की रिएक्शंस देंगे। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन कौन देता है, तो आपको बता दूँ स्टेबल कंपाउंड देता है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें एक एलिमेंट या ग्रुप निकलता है और दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है, तो बेसिकली कंपाउंड की स्टेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टेबल कंपाउंड अगर देंगे तो स्टेबल के स्टेबल ही रहेंगे। अब स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबल होता है अल्केन्स, और दूसरा जो होता है वो होता है बेंजीन। तो अल्केन जो है ये टेट्राहेड्रल, ऐसे बता दूं मैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, बहुत स्टेबल। और बेंजीन जो होता है ये भी स्टेबल होता है, लेकिन बेंजीन की स्टेबिलिटी का रीज़न जो है वो होता है रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब दोनों के दोनों देंगे सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी तीन होते हैं, रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो अल्केन्स जो होता है, अल्केन में कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये स्पेसी जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड रखती है, तो इसलिए अटैक कौन करेगा, रेडिकल अटैक करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो चार्ज होता है, सो इसलिए नॉन पोलर है तो अटैक करेगा फ्री रेडिकल। सो आंसर आ गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जबकि बेंजीन जो होता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके करीब कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। सो इसलिए रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इसमें क्लियर हो। इलेक्ट्रॉन रिच है तो अगर करीब कोई आएगा तो वो आएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए, जबकि यहाँ पर आएगा फ्री रेडिकल। मैं एक्स रेडिकल करके बता देता हूँ ताकि होमोलिटिक फ्यूजन करे और सब्स्टिट्यूट करे। ठीक है, अब अल्केन लिखा है मतलब अल्काइल पार्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन देंगे, तो एक और को यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, जैसे कि मेरे पास होता है अल्काइल हैलाइड RX, जैसे कि मैं लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड, तो ये भी अल्काइल का पार्ट है अल्केन जैसा, तो ये भी देगा सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर फ़र्क यह है कि यहाँ पर बॉन्ड था नॉन पोलर, जबकि यहाँ पर सी और एक्स कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो होता है वो आपको पता है पोलार बॉन्ड है। पोलार बॉन्ड है मतलब रेडिकल अटैक नहीं करेगा, पोलार है और सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज है, तो सेंट्रल के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसलिए अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द सेंट्रल कार्बन, और इसलिए और ये ग्रुपों करेगा सब्स्टिट्यूट, तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो तीन टाइप के, तीनों हमने देख लिए है। अल्केन देता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्योंकि वो नॉन पोलर है,
तो रेडिकल अटैक करेगा, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन या बेंजीन वाले कंपाउंड, नॉट ओनली बेंजीन, बेंजेनॉइड कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन है वो वाले हर कंपाउंड देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन जो है वो स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन रिच है। अल्काइल हैलाइड देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्टेबल है तो सब्स्टिट्यूशन, और पोलार है बॉन्ड और सेंट्रल के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए क्या देता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये बेसिक आपका क्लियर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला जो रिएक्शन है वो है एडिशन, ठीक है। तो एडिशन कौन देंगे, तो एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो पाई बॉन्ड इज मस्ट, पाई बॉन्ड को हम दो पार्ट में यहां पर कैटेगराइज करेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, और दूसरा होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों देंगे कौन सा रिएक्शन, एडिशन, क्योंकि स्टेबल सबको होना है, जब एडिशन देंगे तो पाई बॉन्ड निकल जाएगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो ट्रिपल के अंदर एडिशन होता है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और डबल बॉन्ड में एडिशन होता है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, सिंपल है। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये चीज़ जानना सबसे पहले ज़रूरी हमारे लिए, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा एडिशन देंगे, एडिशन भी तीन टाइप के होते हैं ना, तो पहले देखना होगा हमें कि कौन सा एडिशन ये हमें देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड अगर आप देखोगे तो दो सेम एलिमेंट के बीच में है, मतलब ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलार बॉन्ड है और ये बॉन्ड पोलार बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर ओ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, सो ये पोलार बॉन्ड है और ये नॉन पोलार बॉन्ड है, ठीक है। तो ये नॉन पोलार बॉन्ड है ये बात तो पक्की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके करीब इलेक्ट्रॉन रिच तो बेंजीन भी था, देख लो। तो बेंजीन और अल्किन में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच अगर है तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका आंसर आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज है तो एडिशन तो देगा, लेकिन करीब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ गया। फ्री रेडिकल एडिशन जो है वो कंडीशन के साथ हम देखेंगे, ठीक है। पेरोक्साइड लाइट या हीट अगर होती है तो रेडिकल थ्रू एटेक होगा, जो हम एंटी मार्कोनिकोफ के फॉर्म में देखने वाले हैं, वो बात बाद में करेंगे। देखो बेंजीन और अल्किन में स्टेबल क्या है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। पूछे कि दोनों में अलग अलग चीज़ें क्या हैं, तो बेंजीन स्टेबल है और स्टेबल कंपाउंड देता है सब्स्टिट्यूशन, जबकि अल्किन जो है वो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए ये देगा एडिशन। बोले कि ये दोनों में रिजेम्बलेंस क्या है, तो ये दोनों में साम्यता ये है कि दोनों के पास पाई बॉन्ड है तो दोनों देंगे एडिशन, लेकिन दोनों में डिफरेंस पूछे तो ये नॉन पोलार है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये पोलार है सेंट्रल के ऊपर प्लस चार्ज है तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, समझ में आ गया। अब बाकी कौन सी बची, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन की बात, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सॉरी वो फ्री रेडिकल एडिशन वो कंडीशन के साथ है जो हम बाद में बात करेंगे, ये सिनारियो पहले क्लियर होना चाहिए। तो आज के बाद जब भी कोई पूछे अल्केन्स कौन से रिएक्शन, तो बोलना है सब्स्टिट्यूशन, अल्केन बेंजीन अल्काइल हैलाइड ये बेसिकली देते हैं सब्स्टिट्यूशन, अल्काइल हैलाइड कई बार एलिमिनेशन भी देंगे लेकिन वो बाद की बात है, ठीक है। पाई बॉन्ड वाले देते हैं एडिशन, एडिशन देने से पाई बॉन्ड कम हो जाता है, ट्रिपल से डबल बनेगा और डबल से सिंगल बनेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।